ये स्टोरी है टू चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स की, जिसमें फीमेल लीड मेल लीड से 7 साल बड़ी है और हमारे क्यूट से लुजेंग को कोल्ड लिनयंग से बचपन से ही प्यार हो गया था, पर लिनयंग उसे ऐसे चाइल्ड ट्रीट करती है। तो क्या लुजेंग लिनयंग को अपने प्यार का एहसास करवा पाएगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मिस्टर मा को देखते हैं, जो हमारे हीरो लुजेंग को अपनी युनलैंग म्यूजिक कंपनी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सॉन्ग राइटर के साथ साथ सिंगर भी है। और लुजेंग के पीछे लगी हुई थी लिन तियान, जो उसके सिर्फ क्रेजी फैन ही नहीं बल्कि उसका लुजेंग पर क्रश भी है। लुजेंग जो अभी अब्रॉड से ग्रेजुएशन कर लौटा था, अपनी वीफे को मैसेज करता है। वो अलग बात है कि वीफे का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वीफे यानी लिनयंग अपने कलीग्स के साथ ड्रिंक कर रही थी। लिनयंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में सेक्रेटरी है और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, काउलिंग और याओ। लुजेंग अपने कजन जीनयंग के घर आ गया था, जो एक लॉयर है। इनफैक्ट लुजेंग अब्रॉड से वापस अपनी वीफे से मिलने आया था, और वो जीनयंग से लिनयंग का एड्रेस पूछता है। पहले तो जीनयंग टॉपिक चेंज करता है, तो लुजेंग उसे मनाने लगता है। लुजेंग लिनयंग को कभी फोन तो कभी मैसेज कर रहा था, पर लिनयंग तो टल्ली थी। उसे टल्ली देख कुछ लड़के छेड़ते हैं, पर उसे देखते ही आंटी बोलकर भाग जाते हैं, जिसका उसे काफी बुरा भी लगता है। इनफैक्ट लिनयंग 31 की हो गई थी, पर अभी तक ना तो उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तभी वो गलती से रपट कर गिर जाती है, उसकी बैक पर चोट लग गई थी, तो डॉक्टर उसे रेस्ट करने को कहते हैं। उसके मॉम डैड गाँव में रहते थे, इसलिए वहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसने एम्बेरसमेंट की वजह से अपनी फ्रेंड्स को भी गिरने वाली बात नहीं बताई थी, पर उसके गिरने की बात तो पूरी कंपनी में वायरल हो गई थी। लिन तियान अपनी जीजू की कंपनी में जॉब करने से मना कर रही थी, पर जब उसकी सिस्टर उसे वापस अब्रॉड भेजने की बात करती है तो वो एकदम से हाँ कर देती है। लिनयंग देखती है कि फ्लावर फेयरी के मैसेज से उसका इनबॉक्स भरा पड़ा है, पर वो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। जीनयंग ने उसे मिलने बुलाया था तो वो वहाँ आती है, पर किसी काम की वजह से जीनयंग वहाँ नहीं आ पाता, जिससे वो सैड थी, और वो उसे लुजेंग के आने के बारे में बता देता है। इधर लुजेंग को लिन तियान से पता चलता है कि लिनयंग की चोट लग गई है, पर लिन तियान गुस्सा होती है कि उसने उसे लिनयंग के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। इधर लिनयंग काफी सैड थी, क्योंकि वो होने के बाद भी अपने ट्रू लव से नहीं मिल पाई थी। लुजेंग को लिनयंग की चिंता हो रही थी, पर लिनयंग उसका फोन नहीं उठाती, तो वो लिनयंग की मॉम को कॉल करता है। मॉम लिनयंग को कॉल कर उसका हाल पूछती हैं, पर वो अपने शूट के बारे में मॉम को नहीं बताती। मॉम उसे अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने को कह रही थी, तो वो बात टाल देती है। तभी उसे वीफे सुनाई देता है, क्योंकि लुजेंग वहाँ आ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर लुजेंग बचपन के जैसे सेम उसे हक कर लेता है, तो वो अच्छा फील करती है। इनफैक्ट बचपन में लिनयंग के मॉम डैड और लुजेंग के मॉम डैड बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ नेबर्स भी थे। जब लिनयंग की मॉम प्रेग्नेंट थी तो वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनके बच्चे सेम सेक्स के होंगे तो वो सिबलिंग बनेंगे, और अगर अपोजिट सेक्स के होंगे तो वो उनकी शादी करवा देंगे। और फिर लिनयंग की मॉम की बेटी हुई, पर 6 साल बीतने के बाद भी लुजेंग की मॉम प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो वो सब नेक्स्ट वाली बेटी होने की प्रेयर करते हैं। पर फिर जाके 7वें साल में बेटी के बजाय बेटा यानी लुजेंग पैदा होता है। पर लिनयंग गुस्सा होती है, क्योंकि उसे तो सिस्टर चाहिए थी। प्रेजेंट में लिनयंग को पेन होता देख वो कहता है, वीफे तुम फिर से गिर गई और रो क्यों रही हो। वो पहले तो उसे डांटती है, पर फिर कहती है, हाँ मैं गिर गई थी और मेरी बैक दुख रही है इसलिए रो रही हूँ। तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। वो उससे अब्रॉड से वापस आने का कारण पूछती है, पर वो कहता है, तुम्हारे लिए, मेरा मतलब अपने सिंगर के ड्रीम को पूरा करने के लिए आया। वो कहती है, तुम पटाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर मैं नहीं पटने वाली। पर जैसे ही वो उसके करीब होता है वो नर्वस हो जाती है। फिर वो उसे दूर हटा कहती है, कितनी बार कहा है मुझे वीफे मत बोला करो। वो कहता है, ऐसे तो तुम भी मुझे फ्लावर फेरी बोलती हो। वो कहती है, फ्लावर फेरी तो निकनेम है, ये वीफे क्या है, और उसे मारने लगती है। तभी उसके बैक में पेन होने लगा था। लिनयंग के फोन पे जीनयंग का कॉल देख लुजेंग जेलस हो रहा था, और घर जाने के बजाय वहीं पे सोने की तैयारी कर रहा था। वो उसे भगाने के लिए लुजेंग की मॉम को कॉल करने की धमकी देती है, तो वो कहता है, ये तो और भी अच्छा है, अगर मॉम को पता चला मैं तुम्हारे घर पे हूँ तो उन्हें रिलीफ होगा।
तो वो उसे एक रात रुकने की परमिशन दे देती है और लुजेंग बहुत खुश होता है। पर लुजेंग के लिनजियांग के घर पे रुकने से जीनेन थोड़ा सैड था क्योंकि वो लिनजियांग को लाइक करता है। इधर लिनतियान अपनी सिस्टर से लिनजियांग के बारे में पूछ रही थी पर लिनजियांग का नाम सुनते ही उसकी सिस्टर बात टाल देती है। लेकिन चलाक लिनतियान कंपनी के एम्प्लॉयज से लिनजियांग के बारे में सब कुछ पता कर लेती है कि लिनजियांग अपने जॉब में एकदम परफेक्ट है, इसलिए लिनतियान के जीजू यानी कंपनी के बॉस लिनजियांग से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तभी वो लिनजियांग के ऑफिस में एक फोटो देखती है जिसमें लुजेंग भी था। इधर लिनजियांग को डॉक्टर का कॉल आता है, फिर वो बाहर आकर देखती है कि उसका मैसअप घर बिल्कुल क्लीन है और वहाँ लुजेंग का मैसेज लिखा था, काम खत्म होते मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और कोई बात हो तो कॉल करना वीफे और हाँ ब्रेकफास्ट भी कर लेना। मिस्टर मा लुजेंग के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, लुजेंग का मेकअप हो ही रहा था तभी उसे लिनजियांग का कॉल आता है जो चिल्लाकर कहती है, लुजेंग पागल हो गया क्या? रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या वो मैरिड है? मिस्टर मा कहता है नहीं नहीं अभी तो बस ग्रेजुएशन की है। कैमरा ऑफ। इनफैक्ट लिनजियांग लुजेंग से इस बात पर गुस्सा हो रही थी कि लुजेंग ने उसके घर को इतना साफ क्यों कर दिया, पर लुजेंग के बनाए टेस्टी खाने की वजह से उसे माफ भी कर देती है। लेकिन लिनजियांग को अपनी चीजें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी तो वो कहता है तो मैं घर आकर तुम्हारा सामान ढूंढने में हेल्प कर दूंगा, पर वो उसे घर आने से बिल्कुल मना कर देती है। इंटरव्यू में लुजेंग से जब पूछा जाता है कि वो अब्रॉड से इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज के ऑफर साइन करने की बजाय किंगनिंग आकर युनलैंग म्यूजिक कंपनी क्यों चूज की, वो कहता है हाँ किसी के लिए जो बहुत स्पेशल है, बहुत सुंदर है, बहुत दयालु है, बहुत बहादुर है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसी से इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए उसके और अपने लिए वापस आया हूँ। मिस्टर मा कहते हैं अपनी मॉम की बात कर रहा है। इधर लिनजियांग ने फिर से घर का वही हाल कर दिया था पर उसे तब भी सामान नहीं मिलता। लिनतियान गुस्से से लिनजियांग के पास जा रही थी जब डॉक्टर लिनजियांग को उसकी बीमारियों की लिस्ट बताती है तो वो कहती है बस इतनी, तो डॉक्टर उस पर गुस्सा करती है क्योंकि भले ही ये कॉमन डिसीज है पर फिर भी लिनजियांग को अपना ध्यान रखना चाहिए और जल्दी से बॉयफ्रेंड ढूंढकर शादी करने को कहती है। इनफैक्ट डॉक्टर की बेटी की बीमारी के कारण डेथ हो गई थी तो लिनजियांग उसे प्रॉमिस करती है कि वो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगी। इधर कावलिंग और याओ को पता चलता है कि बॉस की वाइफ ने लिनतियान को लिनजियांग की असिस्टेंट हायर किया है तो कली कहता है उन दोनों में अच्छी बनेगी। तभी लिनजियांग के पास वहाँ लिनतियान आती है जो खुद को लुजेंग की गर्लफ्रेंड बताकर लिनजियांग को लुजेंग से दूर रहने को कहती है क्योंकि वो खुद को लिनजियांग से सुपीरियर समझ रही थी। पर लिनजियांग उसे देखती ही समझ आती है कि वो लुजेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे इग्नोर कर जाने लगी थी, पर लिनतियान तो पीछे पड़ गई थी और कहती है वो तुम्हें वीफे क्यों बुलाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 31 की हो और वो 24 का, अपनी वजह से उसका अच्छा खासा फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो और कंपनी में वापस मत आना, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। लिनजियांग कहती है ना तो तुम लुजेंग की गर्लफ्रेंड हो और ना ही मेरी बॉस, तो सॉरी मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। मेरी एज क्या है और मेरा लुजेंग से रिलेशन क्या है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे बदतमीज बिहेव को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा लुजेंग के साथ जीरो चांस है, और चली जाती है। पर लिनतियान बहुत गुस्से में थी और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।